मैं हूं सोमनाथ वर्मा और दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूं और लास्ट के दो सब्जेक्टों के जो है टॉपिक्स को लेकर के जो कि आपके डायमंड खोज प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले हैं, लास्ट दोनों में ही ज़्यादा डिस्कशन होता है और बच्चे परेशान रहते हैं कि इन दोनों से ही रिलेटेड हमको सर से जानकारी चाहिए कि क्या क्या सर परीक्षाओं में आ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले मैं जीके को लेकर चल रहा हूँ, तो सबसे पहले जीके के बारे में बताऊंगा। जीके से हमारा पहला टॉपिक आपका बनना है कि आप सबसे पहले तो यूपी की जीके पढ़ लेंगे अच्छे से, यूपी की जो जीके है उसको अच्छे से आप अध्ययन कर लेंगे, पहला बात। दूसरी बात आपकी ये यूपी की जीके के साथ साथ जो है भारत की जो जनगणना हुई थी, भारत की जनगणना जो हुई थी, जनगणना हुई थी 2011 की, उससे जुड़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ लेंगे आप अच्छे से, स्पेशली नाइन्थ टू ट्वेल्थ स्टूडेंट्स में। अच्छा, उसके बाद मैं बात कर दूँ भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है आपको सभी को पढ़ना पड़ेगा, भूगोल में आप समझ रहे होंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है आप देखते हैं क्रॉप्स वगैरह आता है फसल व उनके उत्पादक राज्य, मतलब फसलें कहाँ उगाई जाती हैं या फिर ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इस तरह के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इसके साथ साथ आप नदियों से रिलेटेड प्रश्न पढ़ लेंगे कि कौन सी नदी यहाँ किस शहर के नज़दीक है, कौन सा नदी यहाँ है, कौन सी नदी शहर से होकर निकलती है, तमाम तरह के प्रश्न बनते हैं, तो नदियाँ पढ़ लेंगे। साथ ही जो है व्यवसाय पढ़ लेंगे आप, व्यवसायों को लेकर के प्रश्न बन सकता है। और इसके साथ साथ जो है सबसे खास और अहम इम्पोर्टेंट बताऊँ आपको आता है क्षेत्रीय क्रांतियाँ। जैसे ये आपने देखा होगा क्षेत्रीय क्रांतियाँ से मेरा मतलब क्या है, क्षेत्रीय क्रांतियाँ इससे मेरा सेंस ये है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर हरित क्रांति, भूरी क्रांति, आलू क्रांति, इस तरह की क्रांति पे ही फोकस कर लेंगे, ये प्रश्न आता है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप ब्रह्मांड पढ़ लेंगे, ब्रह्मांड से प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कौन सा नज़दीक ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, कौन ठंडा ग्रह है, कौन ये है, कौन वो है, इस तरह के तमाम सारे प्रश्नों को आप अध्ययन अच्छे से अध्ययन करेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं इसके अगले टॉपिक पर चल रहा हूँ जो कि आपका सबसे अहम हिस्सा बनने वाला होता है, वो उस पर मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ। हमारा डिस्कशन होगा यहाँ पर इस परीक्षा को लेकर के जो है डायमंड खोज प्रतियोगिता की, आपका आएगा यहाँ पे जो आना है, क्या नाम होता है जी के बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर बता दूंगा आपका, आप यहाँ देख लेंगे रीजनिंग से रिलेटेड, तो रीजनिंग का भी यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग में बहुत खास टॉपिक्स नहीं होंगे क्योंकि सभी बच्चे इस तरह की चीज़ों को नहीं जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रीजनिंग के लिए बता दूँ, जो बच्चे क्लास 5, 6, 7, 8 के हैं वो नॉर्मल टाइप के रीजनिंग आप पढ़ेंगे, जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, इस तरह के परीक्षाओं में जो है एक नॉर्मल टाइप की रीजनिंग आपकी आती है, तो सबसे पहले आप वो पढ़ लेंगे छोटे बच्चे 5, 6, 7, 8 वाले। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं बात करूँगा आपकी जो आता है रक्त संबंध, रक्त संबंध से प्रश्न बच्चे पढ़ेंगे, जैसे एक औरत इनकी मम्मी की मौसी की ये लगेंगी, तो ऐसे से जो रिश्ता पूछा था वो पढ़ लेंगे आप रिश्ते वाले मामले में। साथ ही साथ जो दूसरा टॉपिक आपका बनता है यहाँ पर अल्फ़ाबेट से पढ़ लेंगे, अल्फ़ाबेट से मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ए के बाएं और उसके तीन कदम चल के कौन सा अक्षर होगा, इस तरह से अल्फ़ाबेट में आपसे आ सकता है, कुछ जुड़े हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे पूछा गया कि पूजा को ये कहते हैं, पूजा को जो है जो पूजा कहते हैं तो बताओ रमन को क्या कहेंगे, या अगर शाम को 1, 2, 3, 4, 5 कहते हैं तो बताइए 4, 5, 6, 7 को कौन सा नाम कहेंगे, तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप ध्यान से इस पर प्रश्नों को देख लेंगे। और इसके साथ साथ जो है आपकी न्यूमेरिकल भी, न्यूमेरिकल टाइप के आ सकते हैं, अर्थमेटिकल मैथ टाइप के आ सकते हैं, मुझे पूछा गया कोई भी संख्या कॉमा करके दे दीजिए, मान लीजिए मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ 2, 4, 6, 8 अगली संख्या मुझे पूछ ली, इस तरह की जो भी छोटी मोटी रीजनिंग्स होती हैं आपके IQ लेवल, जो मेंटेलिटी लेवल को बढ़ाने के लिए, आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर यूट्यूब चैनल पे हर प्रकार की क्लासेस को कराई जाएंगी, कोशिश करेंगे कि पॉलिटेक्निक, नवोदय और मैथ्स की क्लासेस के स्पेशली मैं ध्यान दूँ इस पर। और साथ ही हमारा एक चैनल एक और भी है मैथ वाला एसेंसर, आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसमें हम गजब गजब की ट्रिक्स आपके लिए लेके आते हैं, जल्दी से जल्दी बड़े बड़े से सवाल को छोटे छोटे से हल करना सिखाते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इंग्लिश
सीखने के लिए, स्पोकन करने के लिए, हाउ कैन एवरी पर्सन लिसन टू मी, हाउ कैन यू एक्सप्रेस इन आवर फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश इंग्लिश विद एसेंस. ओके फ्रेंड्स, साथ ही अगर आप मोटिवेशन से परिपूर्ण ज्ञान चाहते हैं या मोटिवेट होना चाहते हैं किसी तरह को, तो हम लोग लाइफ से रिलेटेड, लाइफ मोटिवेशन, लव मोटिवेशन से रिलेटेड, जो लाइफ की मोटिवेशन होती है, जिंदगी के पड़ाव होते हैं, उन सभी पड़ावों को हमने अनुभव मोटिवेशन नाम के चैनल पर डाला है. आप अनुभव मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारा वो मोनेटाइजेशन चैनल है जिसपे हमारे कई चैनल जो है मोनेटाइज है, कई नहीं है अभी, तो कुछ चैनल से मोनेटाइजेशन आपका ऑन है. आपको अगर आप भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं. मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ. ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. धन्यवाद.